हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ट्रेनी की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। कंप्लीट डिटेल्स हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन अपनी प्रिपरेशन आप लोग अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। आगे देख लेते हैं। उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जूनियर क्लर्क ट्रेनी और LD असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के ऊपर। इस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक। यहाँ पे लास्ट डेट 11 दिसंबर रहने वाली है। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की, तो 50 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसमें से यूआर कैंडिडेट्स के लिए 24 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे गाइस आपकी पेमेंट वगैरह की, तो स्टिपेंड आपको मिलेगी पर मंथ 13,500, और जब आप लोग रेगुलर हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल बेसिक पे आपकी 26,400 रहेगी, और ये पे स्केल आप देख सकते हैं 26,000 से लेकर के 83,000 तक है। इसी के साथ साथ गाइस आपको कुछ अलग से भी पेमेंट्स एंड अलाउंसेस मिलेंगे, तो उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ग्रेजुएशन की हो किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में आप लोगों ने 1 ईयर का डिप्लोमा लिया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इसके इक्विवेलेंट, तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप लोगों ने डिप्लोमा लिया हो ऑफिस मैनेजमेंट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे एज लिमिट की। मिनिमम यहाँ पे गाइज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 38 ईयर्स गिवन है, और ये क्राइटेरिया 1 अक्टूबर 2022 को फुलफिल होना चाहिए। बाकी स्टेट के जितने कैंडिडेट्स हैं उनको गाइज जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेक यहाँ पे कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो लिखा हुआ है यूआर कैंडिडेट्स को और SEBC कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज फीस पेमेंट करनी होगी। बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं SC ST कैंडिडेट्स उड़ीसा स्टेट के, उन लोगों को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जो की मैंने ऑलरेडी बता दी है। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की यहाँ पे 11 दिसंबर रहेगी, तो उससे पहले ही अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ से अप्लाई करेंगे, www.ohpclpd.com, ये जो वेबसाइट है इस पे जाकर के आप लोग अप्लाई करेंगे। होप सो कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। तो कोड नोट कर लीजिए, PMYT कोड लगाने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।